गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपका चैप्टर 9 फिनिश हो चुका है तो आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस एंड वन मीनिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले और वन मीनिंग्स लर्न करने से पहले हम एक बार चैप्टर को समरी कर लेते हैं, एक बार चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। ओके, क्या है? फर्स्ट, फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। जो खाना है वो हमारी सबसे हमारी जो मुख्य ज़रूरतें होती हैं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, उसमें से एक है। हम खाने के बिना नहीं रह सकते। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, और खाने का जो मुख्य स्रोत है, मतलब हमें जो खाना मुख्य कहाँ से मिलता है? पौधों से। मोस्टली चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से मिलती है ना। पौधों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, कुछ चीज़ें स्टेम से, कुछ चीज़ें लीव्स से, कुछ चीज़ें उनके फ्लावर्स से, उनके फ्रूट्स से, तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। हम सीरियल्स को और पल्सेस को, सीरियल्स क्या होते हैं? जैसे हमारा राइस है, वीट है, दीज ऑल आर सीरियल्स। एंड पल्सेस दालें, जैसे किडनी बीन्स, उड़द की दाल, अरहर की दाल, ये सारी दालें क्या कहलाती हैं? ये सारे पल्सेस कहलाती हैं। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को एक साथ अगर हम एक नेम से बोलें तो वो कहलाता है फूड ग्रेन्स। ठीक है, अनाज। नेक्स्ट, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल ऑयल सीड्स। अब कुछ ऐसे स्पेशल विशेष प्रकार के बीज होते हैं जिनसे तेल को निकाला जाता है, और उस तेल को हम तरह तरह के कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाल में डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों में हम उन तेलों का इस्तेमाल करते हैं, और उन बीजों को, जिन बीजों से तेल निकाला जाता है, उन बीजों को स्पेशल नेम दिया गया है ऑयल सीड्स। क्या दिया गया है? ऑयल सीड्स। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से फल और सब्जियां भी पाती हैं। स्पाइसेस आर एडेड टू द फूड टू गिव इट फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। जो हम अपनी सब्जी में या फिर हम किसी भी चीज़ में मसाले क्यों डालते हैं, खाने में हम मसाले क्यों डालते हैं? उसको स्वाद देने के लिए, उसको रंग रूप देने के लिए। अगर आप मिर्च नहीं डालेंगे खाने में, तो मिर्च नहीं डालोगे तो मिर्च ना डालने से क्या होगा? आपके खाने में स्पाइसीपन नहीं आएगा, तीखापन नहीं आएगा। ठीक है, तो वो उसको एक रेड कलर भी देगा। हल्दी नहीं डालेंगे तो येलो कलर कहाँ से आएगा आपके फूड में? तो इसी तरीके से जो मसाले होते हैं वो खाने में स्वाद भी देते हैं, और उस खाने को स्वादिष्ट भी बनाते हैं, और उसमें रंग भी देते हैं। ठीक है, द जर्नी ऑफ फूड हैज़ दीज स्टेप्स। अब जो खाने की यात्रा है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट क्या होता है? पहले खेत को जोता जाता है, फिर मैन्यूर्स या फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, फिर बीज को बोया जाता है, फिर फील्ड की सिंचाई होती है या फसलों में पानी डाला जाता है, देन फसल को काटा जाता है, फिर क्या की जाती है? थ्रेशिंग की जाती है, मतलब फसल में से जो आपकी पूरी फसल होती है उसमें से क्या अनाज को अलग किया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है, जो पौधा होता है उसमें से अनाज को अलग किया जाता है। देन विनोविंग, विनोविंग का मतलब होता है कि अब जब हमने अनाज अलग कर लिया तो उसके अंदर भूसा वगैरह भी होता है, तो उसको हम सूप से, आपने देखा है ना, सूप से फटकार फटकार के उस सारे भूसे को बाहर निकालते हैं, और हमारी बिल्कुल जो खाना है, जो फसल है, वो तैयार हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से खाने की यात्रा चलती है, उस तरीके से खाना हम तक पहुँचता है। डिफरेंट रीजन्स हैव दे ओन स्पेशल फूड आइटम्स। अब जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनके खुद के एक विशेष प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं। कि हम जैसे हमने पढ़ा था ना कि राजस्थान के लोग मोस्टली क्या खाते हैं? दाल बाटी चूरमा, उनकी स्पेशल डिश है, ये विशेष डिश है दाल बाटी चूरमा। पंजाब के लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग। बंगाल के लोग फिश करी, राइस एंड रसगुल्ला। गुजरात के लोग ढोकला, थेपला, खांडवी, ये सारी चीज़ें इनकी स्पेशल फूड आइटम्स हैं। ओके, तो आपको चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें अपने चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। ओके,
आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझने भी हैं और मेरे साथ साथ उनको लर्न भी करना है। चलिए अब हम अपने वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आपका सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स होता है अनाज, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सब क्या कहलाते हैं? अनाज। ओके, सीरियल्स। नेक्स्ट पल्स। पल्स मीन्स होता है दाल, जो भी दालें होती हैं, जैसे उड़द की दाल, अरहर की दाल, राजमा, ये सारी क्या होती हैं? हमारी दालें। तो पल्स मीन्स दाल। पल्स मीन्स क्या होता है? दाल, PULSE। ओके, नेक्स्ट स्टेपल। स्टेपल मीन्स होता है मुख्य। स्टेपल मीन्स क्या होता है? मुख्य, STAPLE। स्टेपल मीन्स मुख्य। हमने पढ़ा था ना कि हमारे देश के कई भागों में सबसे ज़्यादा जो मुख्य भोजन है वो क्या है? राइस। क्या है वो मुख्य भोजन? राइस। हमारे देश के कई भागों में चावल बहुत खाया जाता है, मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। तो स्टेपल मीन्स होता है मुख्य। नेक्स्ट रॉ। रॉ मीन्स कच्चा, जैसे रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। ठीक है, तो हम फलों को हम कच्चा भी खा सकते हैं, ऐसे हम सब्जियों को कच्चा भी खा सकते हैं। कुछ सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ सब्जियों को हम पका कर खाते हैं। एक बार राइस करते हैं, सीरियल्स अनाज, पल्स दाल, स्टेपल मुख्य, रॉ कच्चा। आगे देखिए ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑयल सीड्स, OILSEEDS। ऑयल सीड्स मीन्स होता है तिलहन। ऑयल सीड्स मीन्स क्या होता है? तिलहन। जो तेल के जिन बीजों से, कुछ विशेष प्रकार के बीजों से तेल निकाला जाता है, उन विशेष प्रकार के बीजों को ही हम क्या बोलते हैं? तिलहन। क्या बोलते हैं? तिलहन। जैसे हाँ, मूंगफली से तेल निकाला जाता है, मूंगफली का तेल होता है ना, और सनफ्लावर से तेल निकाला जाता है, सरसों के बीज होते हैं मस्टर्ड सीड्स, तो मस्टर्ड से तेल निकाला जाता है। तो ऑयल सीड्स मीन्स होता है तिलहन। ओके, नेक्स्ट देखिए स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले, SPICES। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले। जो मम्मी आपके खाने में मसाले डालती है ना, क्यों डालती है मसाले? खाने को टेस्ट देने के लिए, खाने को कलर देने के लिए, स्पाइसीपन देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या डालती हैं? मसाले। तो स्पाइसेस मीन्स मसाले, SPICES। स्पाइसेस मसाले। नेक्स्ट फ्लेवर। फ्लेवर मीन्स होता है स्वाद। स्पाइसेस फूड में क्या देने के लिए डाले जाते हैं? फ्लेवर देने के लिए, स्वाद देने के लिए, FLAVOUR। फ्लेवर मीन्स स्वाद। नेक्स्ट बेवरेज, VEVERAGE। बेवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ। बेवरेज मीन्स क्या होता है? पेय पदार्थ। तो कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पीने योग्य चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे जितने भी पीने के सामान आते हैं बाज़ार में, जितनी भी पीने योग्य चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी टी है, कॉफ़ी है, ये क्या है? पॉपुलर बेवरेजेस हैं, पॉपुलर प्रसिद्ध पेय पदार्थ हैं। तो बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ, जो पीने योग्य चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैन्योर। मैन्योर मीन्स होता है खाद। मैन्योर होती है ना खाद, तो मैन्योर कैसे बनाई जाती है? जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जितना भी जैसे वेजिटेबल का जो वेस्ट, सब्जियों का जो हमारा कूड़ा है, फलों का जो कूड़ा है, छिलके हैं, जो इन सारी चीज़ों से क्या बना जाती है? मैन्योर। क्या बनाई जाती है? मैन्योर, खाद। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स, PESTICIDES। पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मीन्स होता है कीटनाशक दवाएं। इसका मतलब क्या होता है कीटनाशक दवाएं? पेस्टिसाइड्स वो दवाएं होती हैं जो फसल को कीड़ों से बचाने के लिए फसलों में डाली जाती हैं। उनका क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। जैसे फसल में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए, उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाएं डाली जाती हैं? पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, दोनों का ही मतलब होता है कीटनाशक दवाएं। ठीक है, नेक्स्ट हस्क। हस्क मीन्स होता है भूसी। हस्क मीन्स भूसी। जब
पौधों से अनाज को अलग किया जाता है, तो अनाज के अंदर थोड़ा सा भूसा भी होता है, भूसी भी होती है, तो उसको अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोविंग। तो HUSK, हस्क मीन्स भूसी या फिर भूसा। नेक्स्ट फूड स्टफ, FOOD, फूड स्टफ मीन्स होता है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री क्या होती हैं? जो सामग्री खाने के लिए होती हैं, फूड स्टफ। नेक्स्ट फार्म, फार्म मीन्स होता है खेत, जिसमें जो फार्मर होता है वो अपनी फसल उगाता है, तो फार्म, फार्मर से ही फार्म, फार्म मीन्स खेत, FARM, फार्म मीन्स होता है खेत। नेक्स्ट रीजन, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, इलाका। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग उनके एक विशेष प्रकार के वो फूड आइटम होता है, जैसे गुजरात का ढोकला, थेपला, खांडवी, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, इसी तरीके से रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं, हस्क, भूसी, फूड स्टफ, खाद्य सामग्री, फार्म, खेत, रीजन, क्षेत्र। ओके, तो अब आप सभी की वर्ड मीनिंग्स, आप सभी को सारे वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए होंगे ना। अब आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, चलिए अब हम अपनी बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी MCQs। क्या है MCQs? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज अ ड्राई फ्रूट, इसमें से कौन सा ड्राई फ्रूट है? एप्पल, आमंड, केक। क्या है? एप्पल तो फ्रूट होता है, केक तो होता नहीं है, केक फूड आइटम है, तो कौन सा है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्पाइस, इसमें से कौन सा स्पाइस नहीं है, मसाला नहीं है? बे लीफ, सिनेमन, कॉफी। कौन सा नहीं है? बे लीफ तो होती है, एक स्पाइस है, सिनेमन भी स्पाइस है, बट कॉफी नहीं है। कॉफी क्या है? बेवरेज। क्या है? बेवरेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कार्डमन इज अ, कार्डमन क्या है? कार्डमन की हिंदी क्या होती है? इलायची। तो वो फ्रूट है, ऑयल सीड है या स्पाइस है? क्या है? मसाला ही तो है कार्डमन, इलायची मसाले में ही तो आती है, तो कार्डमन इज अ स्पाइस। आगे होल सेलर्स सेल फूड टू द ब्लैंक, जो होल सेलर्स होते हैं वो अपना खाना किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को, या बोथ ऑफ देम, जो थोक का, मतलब जिनके पास थोक का सामान मिलता है, तो फिर क्या करते हैं उनसे, जो बड़े छोटे छोटे सेलर्स होते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, वो उन होल सेलर्स से खाने को खरीदते हैं, तो उसका क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन, बोथ ऑफ देम। ओके, क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स आपको गिवन है उन्हें आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट क्या है? सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड, हम सीरियल्स और पल्सेस को, दोनों को एक साथ एक नेम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन। ओके, FOOD, GRAIN। क्या है? FOOD, GRAIN। ओके, नेक्स्ट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल ब्लैंक, जो तेल निकाला जाता है वो एक विशेष प्रकार के बीजों से तेल निकाला जाता है, तो उन विशेष प्रकार के बीजों को हम क्या कहते हैं? ऑयल सीड्स, OILSEEDS। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्पाइसेस आर एडेड टू फूड टू गिव इट, जो खाने में मसाले डाले जाते हैं वो मसाले क्यों डाले जाते हैं? खाने को फ्लेवर देने के लिए और टेस्ट देने के लिए, या फिर हम खाने को कलर देने के लिए भी मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आएगा? फ्लेवर एंड टेस्ट, FLAVOUR, टेस्ट, TASTE। ओके,